उसके सामने अचानक एक लेडी आ गई थी। तेज रफ्तार से चलती हुई कार को ड्राइवर जब तक ब्रेक लगाता, उस औरत का एक्सीडेंट हो गया। खून की छींटों से कार का पूरा शीशा लाल हो गया। कार जाकर नाइट लैंप की पोल से टकराई। ड्राइवर का स्टीयरिंग से सर फट गया और वो बेहोश हो चुका था। लुसियाना जब कार के पीछे देखी तो अजीब सी चालों वाली वो औरत ऐसे चली जा रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी वो अचानक पीछे मुड़ी और डरावनी शक्ल वाली वो औरत इन लोगों को देखकर जोर से हंसने लगी। फिर वो अजीब तरह से डांस करने लगी। लुसियाना भी वहीं बेहोश हो गई। किसी तरह कार ड्राइव कर डिनो पास के एक हॉस्पिटल ले गया। कुछ देर बाद जब लुसियाना की आंख खुली, हेलो डिनो, हम कहाँ हैं? ड्राइवर का क्या हुआ? वो लेडी कौन थी जो अजीब तरह से डांस कर रही थी? डॉक्टर ने बहुत कोशिश की पर ड्राइवर को बचा ना सके। उस लेडी के बारे में कोई नहीं जानता। अब कैसा महसूस कर रही हो? ठीक हूँ, लेकिन वो कौन थी? इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी उसे कोई चोट नहीं पहुंची। देखो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है। उस घटना के बारे में ज्यादा मत सोचो। रात के 2 बजने वाले हैं, चलो अब सो जाओ। डिनो और लुसियाना दोनों सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद लुसियाना पानी पीने के लिए उठती है तो खिड़की से देखती है कि वही डांसिंग लेडी स्ट्रीट लाइट पर चढ़कर उसे देख रही है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो डांसिंग लेडी एकाएक जोर से हंसने लगती है और स्ट्रीट लाइट के ऊपर ही बेहतरीन डांस करने लगती है। ये सब देख लुसियाना डिनो को कुछ बोलना चाहती है लेकिन उसकी हलक से आवाज नहीं निकलती। वह किसी प्रकार कांच के गिलास को नीचे गिराती है। फर्श पर गिलास गिरते ही उसके कांच टूटने की आवाज से डिनो जाग जाता है। वह देखता है कि बदहवास लुसियाना खिड़की के पास खड़ी है। अरे लुसियाना, खिड़की के पास क्या कर रही हो? पानी पीनी थी तो मुझे उठा देती। कोई बात नहीं, कांच टूट गया है तो मैं अभी इसे साफ कर दे रहा हूँ। नहीं नहीं, वो फिर आ गई खिड़की के नीचे। अरे कौन है खिड़की के नीचे जिसे तुम दिखाना चाहती हो? वही डांसिंग लेडी। अरे कहाँ कोई है? कोई डांसिंग लेडी नहीं है। अरे वो एक घटना था, उसे भूल जाओ। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को बोला है। नहीं नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वही डांसिंग लेडी स्ट्रीट लाइट पर डांस कर रही थी। वो देखो सामने रोड के उस पर, अभी भी वो स्ट्रीट लाइट हिल रहा है। लुसियाना, वो तुम्हारा भ्रम है। देखो बाहर हवा चल रही है, उसी से स्ट्रीट लाइट का पोल हिल रहा है। अरे तुम लोग मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने अभी अपनी आंखों से देखा है, अभी अभी वो डांसिंग लेडी यहीं पर डांस कर रही थी। तुम लोग समझ नहीं पाओगे, मैं पागल हो जाऊंगी। लुसियाना की चिल्लाहट को सुनकर नर्स और डॉक्टर कमरे में आ जाते हैं। डिनो डॉक्टर को बताता है कि लुसियाना अभी तक वो घटना को भूल नहीं पाई है, उसी के चलते इसे बार बार सब जगह वही डांसिंग लेडी दिखाई दे रही है। अभी वो डांसिंग लेडी लुसियाना को स्ट्रीट लाइट के पोल पर डांस करती दिखी है। देखिए, क्योंकि वो घटना लुसियाना के सामने हुई है इसलिए इतनी जल्दी उसको भूलना मुश्किल है। मैं उन्हें नींद की दवाई के साथ एक इंजेक्शन दे रहा हूँ ताकि वो आराम से सो सके। आराम इनके लिए अभी बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया डॉक्टर, किसी भी तरह से लुसियाना ठीक हो जाए। 2 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद डिनो लुसियाना को लेकर अपना देश इटली की राजधानी रोम पहुंचता है। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता है। एक रात 1:30 बजे जब लुसियाना को किसी गाड़ी के ब्रेक लगने की और एक्सीडेंट होने की आवाज़ सड़क पर से सुनाई देती है तो वो उठकर खिड़की से बाहर देखती है। बाहर जैसे ही उसकी नज़र कार के बोनट पर जाती है तो वो सिहर उठती है। वही डांसिंग लेडी एक्सीडेंट हुए कार के ऊपर चढ़कर डांस कर रही थी। लुसियाना जोर से चीखती है, डिनो उठो, नीचे देखो, एक कार एक्सीडेंट की है, उसके ऊपर वो डांसिंग लेडी डांस कर रही है। उठो जल्दी उठो, वो डांसिंग लेडी यहाँ भी आ गई। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूँ? अरे माय स्वीट हार्ट, अब क्या हो गया? अब इतनी रात को यहाँ किसका एक्सीडेंट हो गया है? वो देखो एक्सीडेंट का किए हुए कार पर नीचे कैसे वो डांसिंग लेडी बेतरतीब डांस कर रही है। कहाँ कोई डांस कर रही है, लगता है तुमने आज दवा नहीं खाई है इसलिए तुम्हें नींद भी नहीं आ रही है। चलो मैं तुम्हें दवा खिला देता हूँ, इससे अच्छी नींद आएगी तुम्हें। तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे वो डांसिंग गर्ल हमेशा दिखती है। पता नहीं तुम लोगों को क्यों नहीं दिखती, ये मैं नहीं जानती, लेकिन वो डांसिंग गर्ल है। लगातार वो हमारा पीछा कर रही है,
तुम मुझे समझने की कोशिश करो, ये जरूर एक दिन हमारी जान लेकर जाएगी। ओके बाबा, कल हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। लो अभी ये दवा खा लो। अभी भी तुम नहीं समझ रहे, मुझे साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो डांसिंग लेडी बार बार मुझे दिख रही है, उसके बारे में पता करना होगा। ओके, एक बार साइकेट्रिस्ट से पहले देख लेते हैं, उसके बाद तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। दूसरे दिन डेनो लुसियाना को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाता है। वो उसे कुछ दवाई देता है और योगा करने का सलाह देता है। लेकिन दो चार दिन बाद शाम के समय जब लुसियाना अपने लॉन झूले पर बैठी थी, तभी वो डांसिंग गर्ल बिल्कुल पास से दिखी। जिस झूले पर लुसियाना झूल रही थी, बिल्कुल उसके पास वाले झूले पर आकर डांस गर्ल फिर से जोर से हंसी और बेदर्दी डांस करने लगी। लुसियाना जोर से चिल्लाते हुए लॉन से भागना चाही, लेकिन वो आधे रास्ते में ही बेहोशी में गिर पड़ी। अब डिनो भी समझ चुका था कि कहीं ना कहीं कोई अदृश्य आत्मा इसे परेशान कर रही है। तब उसने डांसिंग गर्ल के बारे में पता लगाना शुरू किया। सर्बिया के एक पॉप से पता चला कि वो अदृश्य आत्मा एक सर्बियन डांसिंग गर्ल है। अगर किसी को वो दिखाई देती है तो उसका सबसे करीबी रहस्यमय तरीके से मर जाता है। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि ये कोई अदृश्य शक्ति है, लेकिन तुम लोग मेरी बात मान कहाँ रहे हो? डिनो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अरे पॉप की हर बात थोड़ी ना सच होती है। ऐसा करते हैं कि कुछ दिनों के लिए तुम्हारी बहन इस वेला के पास पेरिस चलते हैं, वहाँ के आबो हवा में तुम्हारा मन भी लगेगा। सच कह रहे हो, बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। शादी के बाद वो कितनी बार बोल चुकी है आने के लिए। और ठीक है, मैं आज ही फ्लाइट की टिकट बुक कर लेता हूँ। दूसरे दिन दोनों पेरिस पहुँच जाते हैं। इस बिला दोनों को देख बहुत खुश हो जाती है। इस बिला के हस्बैंड शिप पर गए हुए थे, उनकी सर्विस शिप पर थी, इसलिए वो प्रायः शिप पर ही रहते थे। इस बिला लुसियाना और डिनो ने पेरिस में खूब मौज मस्ती की। इसी बीच डिनो को एक कीड़ा काट लिया। कुछ दिनों बाद डिनो बीमार हो गया। उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन सारा रिपोर्ट सही होने के बावजूद डिनो की हालत लगातार खराब होता चला गया। एक दिन, लुसियाना वो देखो, वही डांसिंग गर्ल तुम्हारे पीछे है, भागो वहां से। अरे मेरे पीछे तो मेरी सिस्टर इसबेला है। लगता है भाई साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप आराम कीजिए। नहीं, ये इसबेला नहीं, डांसिंग गर्ल है। देखो देखो, वो डांस कर रही है। लुसियाना पलट कर देखती है तो इसबेला सचमुच डांस कर रही थी। इससे पहले कुछ समझ पाती, वो पलट कर देखती है कि डिनो भी लड़खड़ाते हुए उसी तरह डांस कर रहा है। डांस करते करते वो गिर जाता है। लुसियाना दौड़कर उसके पास जाती है, कॉल करके डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर डिनो को मरा हुआ घोषित कर देता है। लुसियाना रोने लगती है। जबकि इसबिला और उसके हस्बैंड कई दिनों बाद शिप से लौटे थे, तभी वे देखते हैं कि लुसियाना जोर जोर से घर के अंदर रो रही है। पता चलता है कि वो पिछले एक सप्ताह से यहाँ आई हुई है। शायद डांसिंग लेडी ही इसबिला बनकर इन दोनों के साथ एक सप्ताह से रह रही थी। पोस्टमार्टम में सारा रिपोर्ट सही आता है। दोनों के मरने का कारण आज तक किसी को पता नहीं चला। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।